इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 एक्शन एडवेंचर वॉर ड्रामा फैंटसी मूवीज़ के बारे में जिन्हें आप यूट्यूब पर ही वॉच करने वाले हैं, क्योंकि इन सारी की सारी मूवीज़ के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, मूवियाँ तो बहुत तरह की होती है, लेकिन साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर मूवीज़ की बात अलग ही होती है। इन्हें वॉच करने का मज़ा एक अलग ही लेवल का होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आप हॉलीवुड की लेटेस्ट मूवीज़ को डेली यूट्यूब पर वॉच कर सकें। इसके अलावा अगर आप हॉलीवुड की लेटेस्ट मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़, बॉलीवुड मूवीज़ कुछ भी देखना चाहते हैं, तो जल्दी से आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10 पे एक साइंस फिक्शन एक्शन बेस्ड मूवी जिसका नाम है गॉडज़िला। ये मूवी आई थी 2014 में और इसे IMDb ने 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो यार, ये एक बेहतरीन एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। ये एक नेक्स्ट लेवल की मूवी होने वाली है, जिसे आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो बेसिकली इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है खतरनाक गॉडज़िला, जो कि एक शहर के अंदर अटैक कर देता है और वो बहुत सारी तबाही फैला देता है, जिसकी वजह से ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा चोट पहुँच जाती है। और अब ऐसे में ह्यूमंस इस गॉडज़िला से कैसे बचते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कैसे सामना करते हैं, ये आपको पता चलेगा इस मूवी के अंदर। तो यार, वैसे तो गॉडज़िला एक सीरीज़ है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, और ये गॉडज़िला की 2014 की पहली मूवी है। इससे पहले भी बहुत सारी मूवीज़ आ चुकी हैं, लेकिन ये सीरीज़ आपस में कनेक्टेड है, जो कि हाल ही में मूवीज़ आने वाली हैं। तो ये वाली गॉडज़िला सीरीज़ की एक न्यू मूवी आने वाली है, जिसका नाम गॉडज़िला एक्स कॉन्ग होने वाला है। तो वो 2024 में रिलीज़ होगी। नंबर 9 पे एक साइंस फिक्शन कॉमेडी मूवी जिसका नाम है लैंडस्केप विद इनविजिबल हैंड। ये मूवी आई थी 2023 में और इसे IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो बेसिकली यार, ये एक एलियन बेस्ड मूवी होने वाली, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ज़मीन पर एलियन आ जाते हैं। उसके बाद वो एलियंस इंसानों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, मतलब कि इंसानी माइंड को अपने कब्जे में ले लेते हैं, और उसके बाद वो इंसानों को अपना ग़ुलाम बना देते हैं। लेकिन इसी बीच कहानी फोकस करती है एक ऐसी फैमिली पर, जो इस खतरनाक एडवेंचर में निकल जाती है उन एलियंस से बचने के लिए। तो ऐसे में वो फैमिली इन एलियंस का कैसे सामना करेगी या फिर अपने आप को कैसे बचाएगी, ये आप जानेंगे इस बेहतरीन मूवी के अंदर। ये मूवी YouTube पर इस टाइम अवेलेबल है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8 पे लोकी सीरीज़ का सीज़न 1 और 2, जो कि रिलीज़ हो चुका है, मतलब कि YouTube पर आ चुका है। और ये 2021 में इसका पहला सीज़न आया था, उसका दूसरा सीज़न 2023 में आया था। तो इसे IMDb ने 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो इसके अलावा अगर बात करें इस सीरीज़ की कहानी की, तो इस सीरीज़ के अंदर हमें दिखाया जाता है कि लोकी टाइम ट्रेवल करता है, मतलब कि 2012 से TVA में पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद TVA अथॉरिटी लोकी को अपने कब्ज़े में ले लेती है, क्योंकि लोकी ने टाइम में कुछ चेंजिंग करी होती है, मतलब कि लोकी ने कुछ रूल्स को ब्रीक किया होता है, इसलिए लोकी को पकड़ लिया जाता है। ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ये सीज़न 1 की है। तो सीज़न 2 की क्या स्टोरी होने वाली है और उसके अंदर क्या कुछ चीज़ें घटी हैं, ये आप जानने के लिए इस सीरीज़ को वॉच करना होगा। तो यार, मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी चेंज लग सकती है, क्योंकि माइक प्रॉब्लम चल रहा है भाई। 7 पे एस्केप रूम टूर्नामेंट्स ऑफ चैंपियंस, ये मूवी आई थी 2021 में और इसे IMDb ने 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो बेसिकली यार, एक हॉरर मिस्ट्री मूवी होने वाली है, और इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है बेन एंड जोई को, जो एक ट्रैप्ड गेम के अंदर फंस जाते हैं, और इनके साथ 4 लोग और भी होते हैं जो इनके साथ इस गेम के अंदर फंस चुके होते हैं। तो इस गेम के अंदर कुछ पजल्स को सुलझाना होता है, अगर इस गेम में कोई फेल हो जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। तो अगर इस गेम को कोई विन कर लेता है तो उसे बहुत बड़ा प्राइज मिल सकता है। तब ऐसे में इस गेम में क्या कुछ चीज़ें होंगी, ये आप जानेंगे इस मूवी के अंदर। 6 पे एक एक्शन एडवेंचर मूवी जिसका नाम है सोलोमोन केन। ये मूवी आई थी 2009 में और इसे IMDb ने 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है एक वॉरियर जिसका नाम सोलोमोन केन होता है। असल में ये एक बेरहम योद्धा होता है, जो किसी पर रहम नहीं खाता। सडनली एक दिन इस बंदे का सामना एक शैतान से हो जाता है, और वो शैतान इसे बताता है कि मैं तुम्हें नरक में ले जाऊंगा, क्योंकि तुमने बहुत सारे गलत काम किए हैं। तो उसी दिन से ये बंदा अपनी तलवार फेंक देता है और कसम खाता है कि ये दोबारा इस चीज़ को नहीं दोहराएगा। ऐसे ही बहुत साल गुजर जाते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा जुर्म की दुनिया में वापस आ जाता है, क्योंकि इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये बंदा वापस आ जाता है। तो आगे चल के इस मूवी के अंदर क्या कुछ होगा, ये आप जानेंगे इस मूवी के अंदर। नंबर 5 पे एक एक्शन थ्रिलर डिजास्टर मूवी जिसका नाम है सन एंड्रियास। ये मूवी आई थी 2015 में और इसे IMDb ने 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो यार, अगर आपको दुनिया के खात्मे वाली मूवीज़, मतलब कि एंड ऑफ वर्ल्ड वाली मूवीज़ देखना अच्छी लगती हैं, तो ये मूवी आपके लिए होने वाली है।
क्योंकि इस फिल्म के अंदर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ज़मीन पर भूकंप, सुनामी, मतलब कि बहुत सारी खतरनाक चीज़ें होने लगती हैं जिसकी वजह से इंसानियत का वजूद मिटने लगता है। अब ऐसी मूवी कौन नहीं देखना चाहेगा भाई। मूवी बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नंबर 5 पर देखने को मिल जाएगा। 4 पे द हंटर्स प्रेयर, ये मूवी आई थी 2017 में और इसे IMDb ने 5.6/10 की रेटिंग दी है। तो इस कहानी के अंदर में दिखाया जाता है कि ऐसा SSN जिसे एक मिशन दिया जाता है और वो मिशन ये होता है कि उसे एक लड़की को मारना होगा। और जब ये बंदा उस लड़की को ख़त्म करने के लिए जाता है तो उसके ऊपर पहले से कुछ लोग अटैक कर देते हैं, तो ये बंदा उसे उन लोगों से बचा लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस बंदे की फैमिली खतरे में आ चुकी है क्योंकि इस बंदे ने उस लड़की को ख़त्म नहीं किया, इसलिए उन लोगों ने इसकी फैमिली को किडनैप कर लिया होता है। तो अब ये SSN अपनी फैमिली को और इस लड़की को कैसे बचाएगा, ये आप जानेंगे इस मूवी के अंदर। 3 पे एक नेक्स्ट लेवल की कॉमेडी एडवेंचर मूवी जिसका नाम है गुलीवर्स ट्रेवल्स, ये मूवी आई थी 2010 में और इसे IMDb ने 4.9/10 की रेटिंग दी है। इस कहानी की शुरुआत होती है गुलीवर्स नाम के बंदे से जो अपनी छुट्टियां मतलब कि हॉलीडे एंजॉय करने के लिए समंदर में बोट लेकर निकल जाता है। गुलीवर्स को नींद आ जाने की वजह से वो एक बहुत बड़े मतलब के समुद्री तूफान में फंस जाता है और जब उस तूफान के अंदर जाता है तो वो एक अलग ही दुनिया में बाहर आता है, मतलब कि वो एक अलग ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो गुलीवर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और ये बंदा उनके सामने बहुत बड़ा जायंट होता है। तो अब ऐसे में वो लोग गुलीवर्स के साथ क्या कुछ नहीं करेंगे या फिर गुलीवर उनको चोट पहुंचाता है, ये आप जानेंगे इस मूवी के अंदर। 2 पे शॉलिन सॉकर, ये मूवी आई थी 2001 में और इसे IMDb ने 7.3/10 की रेटिंग दी है। तो बेसिकली यार ये कॉमेडी स्पोर्ट मूवी होने वाली है। इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है एक टीम, मतलब कि एक टीम दिखाई जाती है और उस टीम के साथ कुछ मार्शल आर्ट्स की स्किल्स होती हैं और वो टीम अपनी स्किल्स को लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहती है शॉलिन सॉकर गेम के साथ। वैसे तो ये एक फुटबॉल मैच है जिसके अंदर आपको एक अलग ही लेवल का कनफू दिखाया जाता है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो लिंक आपको 2 पर देखने को मिल जाएगा। सो फाइनली गाइस 1 पे नेपोलियन, ये मूवी आई थी 2023 में और इसे IMDb ने 6.6/10 की रेटिंग दी है। तो बेसिकली यार एक वॉर एक्शन मूवी होने वाली है और ये मूवी मार्केट में न्यू है इसलिए आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेगी। तो इसे वॉच करने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर आपको ये मूवी मिलने वाली है और वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तो गाइज आप लोगों ने 2019 वाली जोकर मूवी तो डेफिनेटली वॉच करी होगी और उस मूवी के अंदर जो बंदा जोकर होता है वही इस मूवी के अंदर मेन लीड प्ले कर रहा है भाई। तो मूवी आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी होने वाली है। तो ये थी हमारी कुछ बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज़। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।